नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एसएससी एमटीएच 2020 यानी कि 2020 वाला ही 2020 है, यानी कि कहने का मतलब पिछला साल का जो इस बार अभी संपन्न हुआ, लेट संपन्न हुआ है, तो इसका आंसर की कब आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे आपको 2021 लिखा होगा, इससे कन्फ्यूज नहीं होना है, ये आपके 2020 की बात की जा रही है, यानी कि पिछले साल वाला जो अभी क्लियर हुआ है, यानी कि CBT 1 एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, उसी के बारे में बात करेंगे कि इसका आंसर की कब आएगा, CBT जो 1 है उसका रिजल्ट कब आएगा और Tier 2 कब तक होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे कि ये आपके 19 वाला जो CBT 1 है उसका, या आप कह सकते हैं CBT, या आप कह सकते हैं जो इसका Paper 2 है यानी कि Tier 2 है, सभी डेट को एनालिसिस करते हुए कि पिछली बार ऐसा हुआ है तो इस बार भी क्या चांसेस है, कब तक इसका जो है 2020 का CBT 1 का रिजल्ट आएगा और आपका जो Tier 2 है वो कब तक होने की संभावनाएं हैं, सभी मुद्दों पे बात करेंगे। और इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको पता है टेस्ट बुक का सफलता की रोशनी का जो सेल है वो चल रहा है। इसके तहत अगर आप लाइफ टाइम मॉक टेस्ट पास खरीदना चाहते हैं तो 699 पड़ेगा, लेकिन अगर आप ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो इसमें आपको 209 यानी कि 209 रुपये का आपको छूट मिल जाएगा। और अगर आप अमेजन पे के थ्रू पे करते हैं तो 100 रुपये का, या आप कह सकते हैं 10% का कैशबैक भी आपको मिल सकता है। ठीक है, इंडिया के तमाम एग्ज़ाम 420 प्लस एग्ज़ाम आप कर सकते हैं, 27,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसी पासेज में। तो आप जब तक तैयारी करते रहेंगे तब तक आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। हम बात कर रहे थे ये SSC MTS का जो पेपर अभी संपन्न हुआ उसका आंसर की कब तक आ सकता है। देखिए, अगर हम बात करें 2019 की, तो अगर हम बात करें अगस्त के 22 को ख़त्म हुआ था और इसका आंसर की सितंबर में आ गया था, तो आंसर की 15 दिन के अंदर ही ये लोग अलाउट आप कह सकते हैं कि दे देते हैं। और अगर बात करें रिजल्ट की, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये नवंबर के अराउंड में ले गए थे, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने यहाँ पर लगा दिए थे, तकरीबन सितंबर अक्टूबर नवंबर नवंबर हालांकि इनिशियल में ही, तो 2.5 या 2 महीने की बात कर सकते हैं। और टीयर टू की हम बात करें तो ये उसके तकरीबन 15 से 20 दिन बाद वो ले लेते हैं आपके टीयर टू, और टीयर टू का जो रिजल्ट है वो आपके यहाँ पे देखिएगा कि थोड़ा सा लेट देते हैं, अक्टूबर के 2020 में दिए थे, यानी कि 1 साल के अराउंड लगा दिए थे। और फाइनल रिजल्ट की बात करें तो 21 लगा दिए थे। तो टोटल यहाँ पे हम अगर पिछला रिकॉर्ड का एनालिसिस करें तो देखिए, आंसर की आपके 15 दिन या 20 दिन के अराउंड में अगर हम बात करें तो आपके जो अगर मैक्सिमम चांस है कि 20 जो नवंबर है उसके बाद, यानी कि 25 नवंबर तक आपके 20 से 25 नवंबर तक 20 से 25 नवंबर तक आपके आंसर की आ जाएंगे। और उसके कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे 2-2.5 महीने यानी कि आपको फाइनल आंसर की आने में, सॉरी रिजल्ट आने में 2 महीना लग सकता है, तो यानी कि जनवरी के अराउंड में आपका आंसर की आ जाएगा। ठीक है, और आंसर की आने के बाद आप देखेंगे कि ज़्यादा दिन आपको जो टीयर टू है उसके लिए नहीं मिलता, यानी कि 20 से 22 दिन यानी कि फरवरी तक आपके टीयर टू भी संपन्न हो जाएंगे। तो ये चीज़ें पिछला जो रिकॉर्ड है उसी के एनालिसिस पे बोला जा रहा है। और अगर इसमें एक कंडीशन ये भी है कि आपका कोविड का जो सिचुएशन है वो बर्स ना हो, या जिस तरीके से बना है वही बना रहे, तब तो ठीक कंडीशन आप मान के चल सकते हो। लेकिन अगर ये जो आपका अभी का समय है वो अभी तो कोरोना सही रहेगा, ये मार्च में बढ़ता है तो मार्च से पहले ये सब, ये जो वैकेंसी है वो क्लियर हो जाएगी। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आपका जो SSC MTS है उसका जो आंसर है वो इसी महीने 20 से 25 को आ जाएगा, और उसके 2 महीने बाद आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, और उसके 20 दिन के अराउंड में आपका टीयर टू हो जाएगा। तो टोटल आपका वैकेंसी ये थोड़ा सा फास्ट है, और हालांकि ये तो 2020 वाला ही चल रहा है, लेकिन अभी के नज़रिए से बात करें तो इस तरीके से आपका चलेगा। आप क्या सोचते हैं कि कब तक आंसर किया आएगा, कब तक आपका टीयर टू होगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगला वीडियो अगर आप चाहते हैं कि इसके जो कट ऑफ है उस पर बनाया जाए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।